हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू सी अबाउट द सीपीयू शेड्यूलिंग यू नाउ एलगोरिदम्स शेड्यूलिंग एल्गोदम्स आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक बेसिक टाइप्स दैट इज़ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव एलगोरिदम्स तो हम दोनों पढ़ेंगे प्रीएम्प्टिव भी और नॉन प्रीएम्प्टिव भी तो so, सबसे पहले तो देखते हैं कि सी पी शेड्यूलिंग एलगोरिदम्स हैं क्या और इसके कुछ शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज हैं जो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें हम डिफरेंट शेड्यूलिंग एलगोदम्स देखेंगे और उस पर एक एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे साथ साथ सो सी पी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर यू सॉरी सी पी शेड्यूलिंग एलगोरिदम्स आर यूज टू सिलेक्ट अमंग द प्रोसेस इन मेमरी डेटा रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट वन ऑफ देम नाउ देर आर मैनी प्रोसेसिस आर रनिंग सपोज पी वन पी टू

हम इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस सी को पहले देना है और डिफरेंट क्राइटीरियाज एंड डिफरेंट इसके एलगोरिदम्स हैं जिसके बेसिस पे डिसाइड हो होता है कि कौन सा प्रोसेस सी को देना है तो सपोज हमने प्रोसेस पी वन को दिया जब प्रोसेस पी का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो सी पी हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे प्रोसेस पी टू सी को दे देंगे एंड सिमिलरली अप टू एंड प्रोसेस वी विल एलोकेट द सी पी टू ईच ऑफ द प्रोसेस सो दैट इज़ सी पी यू शेड्यूलिंग एलगोरिदम्स कि किस एलगोरिदम से किस प्रोसेस से या फिर किस पैरामीटर्स पे हम प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करेंगे नाउ देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलगोरिदम वन इज प्रियमटिव एंड अनदर इज़ नॉन प्रियमटिव नॉन प्रियमटिव का क्या मतलब है इफ़ अ प्रोसेस इज गिवन टू दी पी यू इफ अ प्रोसेस इफ वंस अ प्रोसेस Has been given the has been given CPU then CPU cannot be taken away before completion of the process. एक बार अगर किसी प्रोसेस को सी पी यू एलोकेट हो गया तो जब तक वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा या फिर वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में नहीं जाएगा तब तक वो सी पी यू उसके पास रहेगा जैसे कि इसमें पी वन को मैंने सी पी यू एलोकेट कर दिया था पी वन को टेन मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए फॉर एग्जीक्यूशन तो पी टू अब वेट करेगा फॉर टेन मिली सेकेंड्स क्योंकि जब तक पी वन का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होगा तब तक पी टू को सी पी यू एलोकेट नहीं होगा दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव वेर इज द सेकेंड वन इज प्रियमटिव शेड्यूलिंग नॉट इन द प्रियमटिव शेड्यूलिंग सीपी यू कैन भी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोसेस सीपीयू कैन भी टेकन अवे फ्रॉम द रनिंग प्रोसेस अब देखिए इसमें क्या है जैसे सपोज पी वन रन कर रहा था और एक प्रोसेस आया है पी टू पी टू की प्रायोरिटी पी वन से ज़्यादा है तो क्या होगा पी वन से सी पी यू वापस ले लिया जाएगा और अब सी पी यू पी टू को एलोकेट कर दिया जाएगा दैट मीन्स पी वन जो रनिंग था उसको अब हमने दोबारा से रेडी क्यू में डाल दिया सो दैट इज़ पी एम टिव दैट इज़ रनिंग टू रेडी और इफ़ अ प्रोसेस इज़ ऑलरेडी वेटिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ सी पी यू उसको भी हमने रेडी स्टेट में डाल दिया सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलोग्रिदम्स प्रीएमटिव जिसमें हम सी पी यू को ले लेते हैं प्रोसेस से नॉन प्रियमटिव जिसमें सी को प्रोसेस से नहीं लेते जब तक वो टर्मिनेट ना हो जाए तो ये दो मेन आपके एलगोरिदम्स के टाइप्स हैं प्रियमटिव एंड नॉन प्रियमटिव ना देर आर सर्टेन शेड्यूलिंग क्राइटेरिया सबसे पहले सी पी यू यूटिलाइजेशन ना वट इज़ सी पी यू यूटिलाइजेशन सी पी यू यूटिलाइजेशन इज द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेसर इज़ बिजी इट इज़ द एवरेज फ्रैक्शन ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेसर और सी पी यू इज बिजी और इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से लेके हंड्रेड परसेंट तक वेरी करती है अब इसका मतलब क्या है कि सपोज एक सी पी यू है ये ये सी पी कभी भी आइडियल नहीं हो आइडियल नहीं होना चाहिए सपोज पी एक प्रोसेस था एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो विदाउट एनी डिले पी टू इसको एलोकेट हो जाए इन सोन इससे जितनी जितनी सी की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी उतना ही आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा दैट इज़ सी पी यू यूटिलाइजेशन एंड इट शुड बी क्लोज टू हंड्रेड परसेंट नाउ द सेकेंड इज थ्रूपुट थ्रूपुट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोसेस सिस्टम कैन एग्जीक्यूट इन ए पीरियड ऑफ टाइम सो इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोसेसिस नंबर ऑफ प्रोसेसिसन एग्जीक्यूट इन ए पीरियड ऑफ टाइम सपोज हमने टाइम डिसाइड किया था टी कि टी टाइम में कितना प्रोसेसिस एलोकेट हुए तो वो आपका आएगा थ्रूपुट। इसको हम ये भी बोलते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट ऑफ टाइम इट इज एक्चुअली द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट ऑफ टाइम सो इज थ्रूपुट एंड द थ्रूपुट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली द लेंथ ऑफ द प्रोसेस क्योंकि जितना बड़ा अगर एक प्रोसेस है जिसमें टेन की जगह हंड्रेड मिली सेकेंड का टाइम चाहिए तो ऑब्वियसली थ्रूपुट जो है वो कम हो जाएगा सो द थ्रूपुट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द प्रोसेस नाउ द नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम इट इज अ इंटरवल बिटवीन इट इज द इंटरवेल बिटवीन सबमिशन ऑफ प्रोसेस एंड इट्स कंप्लीशन सपोज एक प्रोसेस था पी जो एट टाइम फाइव अराइव हुआ और कंप्लीशन में इसको लगे ये कंप्लीट हुआ एट टाइम ट्वेंटी फाइव सो द टर्न अराउंड टाइम इन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू दैट इज Twenty time units. So, that is a turnaround time that is uh, interval between the submission of process and its completion. Now, the waiting time. Waiting time is the average period of time a process has spent waiting. Average period of time a process. Depends, तो इसको आप कैसे देख सकते हैं सपोज so P1 था जो 10 मिली सेकेंड्स के लिए रन कर रहा था और P2 टू अराइव हुआ जीरो मिली सेकेंड्स पे मतलब जीरो पे सब ये अराइव हुए तो P2 ने कितना वेट किया 10 मिली सेकेंड्स क्योंकि जब तक P1 वन कंप्लीट नहीं होगा P2 को प्रोसेस एलोकेट नहीं होगा प्रोसेसर सीपी तो P2 कितना वेट कर रहा है अब 10 मिली सेकेंड्स दैट इज वेटिंग टाइम Next is response time it is the amount of time it is the amount of time it takes when a request was submitted until the first response is produced सो दिस इज द रिस्पॉन्स टाइम नाउ इन द न्युमेरिकल पार्ट विच यू आर विच वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियोज वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेटिंग टाइम नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वेटिंग टाइम निकालने के लिए पूछा जाता है तो वेटिंग टाइम आपको क्लियर होना चाहिए कि वेटिंग टाइम क्या है इट इज़ द एवरेज पीरियड ऑफ टाइम अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग तो एवरेज का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि प्रीएमट होता है प्रोसेस तो हर बार जब भी वो वेटिंग से रेडी या फिर रनिंग से रेडी में जा रहा है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे नाउ फॉर द बेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस सी पी यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम सो सी पी यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमम, वेयर एज टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मिनिमम फॉर द बेस्ट सिस्टम परफॉर्मेंस That is the basic uh, about the CPU scheduling algorithms. We have studied about the CPU scheduling algorithms introduction, then preemptive and non preemptive, and various scheduling criteria. In the next video, we will start with the CPU scheduling algorithms. First, we will see uh, first, we will going to see about the first come first serve that is FCFS algorithm. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on. Operating system and other computer science related subjects. Thank you.